गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे। तो आज से ना मैं अपना न्यू चीज शुरू कर रही हूँ, तो बेसिकली मैंने सोचा उसको व्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप में से जो भी फैटी है और उसको वेट लॉस करना है तो आपने देखा होगा मेरी अभी तक की जर्नी में, लाइक मैंने कोई शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर किया है ये चीज कि मैंने वेट लॉस बहुत अच्छे से किया। आपने मेरी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह भी देखी होगी भाई साहब, मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लाइक हाँ वेट कम हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले एक महीना हो गया मेरी कजन सिस्टर्स आई थी और मैंने फिर से गंदा खाना, बाहर का जंक फूड खाना शुरू कर दिया। खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाऊँ मैं अपनी डाइट को लेकर, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जिससे शादी हुई ना वो एक बंदा फूडी है, उसको अलग अलग तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में टेस्टी फूड पसंद है, तो मुझे उसके साथ शेयर करना पड़ता है और ऑफकोर्स उसके साथ रह रहे के मुझे भी पसंद आता है। तो या ये सारे रीजन्स है, लेकिन मैं फिर से आज से मतलब फिर से वो चीज मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं अपनी वेट लूज जर्नी पे फिर तो मेरा ना वेट थोड़ा सा गेन हो गया, थोड़ा सा मतलब 2 किलो गेन हो गया, और मैंने कम करीबन कर लिया था 10-12 किलो इन मंथ आप बोल लो या उससे भी जल्दी मेरा हो गया था। तो बेसिकली आज मैं वो चीज फिर से शुरू कर रही हूँ। तो आज का मैं आपको अपना रूटीन बता दूं, अभी शाम के कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं और मुझे क्या करना है, अभी आज से मैं जिम जाना शुरू कर रही हूँ। डाइट मेरी आज इतनी फॉलो नहीं हुई क्योंकि उसमें गलतियां क्या हुई मैं चीज आपको बताऊं, जो मैं अपने वेट लूज में जिसको मैं जिम्मेवार मानती हूं कि हाँ भाई ये बंदा ये चीज मेरी मोटापे का राज है, मतलब मेरा वेट गेन कराता है, वो है कॉफी, क्योंकि आई एम अ कॉफी लवर और कॉफी के थ्रू मेरे अंदर जाता है शुगर, और शुगर मैं करना चाहती हूँ बिल्कुल अवॉइड। तो आज तो भाई मैंने सुबह सुबह कॉफी ले ली, यानी शुगर भी चला गया, तो डाइट आज से मैं फॉलो नहीं कर रही हूं। उसके बाद मेरा गला खराब है बिकॉज ऑफ द मौसम, तो हाँ भाई चाय मैंने पी थी तो ये, लेकिन खाने की अगर मैं बात करूं तो मैंने सुबह टमाटर की सब्जी खाई है और एक रोटी खाई है और थोड़ी सी इडली खाई है, क्योंकि कल था मेरी बुआ का बर्थडे, सासू बुआ का, तो उन्होंने खाना भिजवाया था हमारे लिए, तो बस ये भी रात सब हुआ था। लेकिन हाँ मैं उस चीज को डाइट में मानूंगी ही नहीं, क्योंकि जब से मैं कॉफी अवॉइड करूंगी ना, आप ना मीठा लेना बंद करो गाइस, यूं आपका यूं दौड़ में के ना आपका वेट कम होएगा। तो आज से मेरा जिम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो अब खाना तो खा लिया है भाई, जो गलतियां कर ली थी वो हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मतलब जिम भी ना जाऊं। तो आज से मैं एक्सरसाइज को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रही हूं फिर से, जो कि मेरा अवॉइड हो गया था, मैंने जिम जाना बंद कर दिया था, क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी स्टोरीज भी देख लिया होगा कि मैं कुछ टाइम से जिम नहीं जा रही हूं, चिलिंग वाली लाइफ चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि मेरा खाया पिया और मेरे पति का सीधा मुंह पे दिखता है, तो थोड़ा सा मुंह हो रहा है थोड़ा सा चबी, और गंदे खाने की वजह से थोड़ा सा यू कैन सी दैट मेरे पिंपल्स भी हो गए बिकॉज आई हैव सफरिंग फ्रॉम PCOS, जो कि है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि शादी से पहले PCOD की ऐसे लात मार के भगा दिया था मैंने, मतलब खत्म कर दिया था। तो वो भी आपको अगर जानना है कि मैं अपने PCOD से छुटकारा पाने के लिए, या PCOS जो भी बोलो आप, उससे मैंने कैसे छुटकारा पाया है, और हाँ बस यही चीज है। तो भाई आज मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज से मैं जिम जा रही हूँ। पता क्या हुआ, जिम नहीं जा रही थी ना, थोड़ी सी आलसी हो गई, प्लस मैंने कल भी आपको मैं बता दूं, मैंने ना एक वीडियो देखी, लाइक शॉर्ट स्वाइप कर रही थी, तो यार एकदम से ना बहुत ही चीज़ी सा पिज़्ज़ा आया, और मैंने नितिन को बोला भाई आज तो मेरे को ऐसा पिज़्ज़ा खाना है, और ये भी चल लिया कि चल चलते हैं, और मतलब वो खाने के बाद ना मैंने बहुत सारा चीज़ी सा वो खाया, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी साइड में, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, एंड नितिन का और मेरा ये डिसाइड हुआ भाई बहुत हो गया, कभी तो स्टॉप करना पड़ेगा, तो भाई हमने स्टॉप कर दिया है वो चीज़ आज से। तो या मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा वेट अभी कितना चल रहा है, प्लस जिम के लिए मैंने बहुत ही बेसिक से कपड़े निकाल, तो कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, जिसमें है क्लोविया का ये मेरा ट्राउजर जो कि उल्टा पड़ा हुआ है, यू कैन सी लो को देख लो, और टॉप अभी पक्का नहीं है, वैसे मैंने एक ग्रीन वाला अपना शीन का टॉप निकाला है, लेकिन हाँ पक्का नहीं है। और हाँ मैं अपनी एक चीज और चेंज करने वाली, जो कि अभी बैक कैमरा से यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको, मेरा बेड जो है ये मेरा शादी वाला है, और ये पता है क्या, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और इस पे मैंने चिपका दिया था वॉलपेपर, अभी जो मेरा बेडरूम है, हाँ मुझे पता है बहुत लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे, मैं कंटिन्यू कर नहीं रही थी, तो ये रीजन है। तो होम टूर देना है, रूम टूर देना है, स्टूडियो टूर देना है, एंड आई हैव अ डॉटर जो कि अभी 2 साल की हो जाएगी, उसका भी रूम का टूर देना है, तो सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो हाँ मैं ये बता रही थी, तो मैंने इस पे ना वॉलपेपर चिपकाया था, तो ये पूरा यू कैन सी खराब हो गया, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि घर में ना बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा भाई मुझे इसको सही करना पड़ेगा, कोई अगर आके बैठे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी ना थोड़ी सी डबल चिन सी भी दिख रही है,
लाइक मैं अपने वेट को लेके थोड़ा सा ना मतलब ऐसे हो रही हूँ भाई, मैंने फिर से क्यों ऐसे कर लिया। एंड गाइज मेरी आंखें जो चढ़ी चढ़ी आपको दिख रही है बिकॉज ऑफ माई तबीयत खराब, गला खराब, और आज ना मेरा फेस बहुत डल लग रहा है, तो भाई एक्सक्यूज माई फेस। और मैं थ्रेड्स पे आ गई हूँ, थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम का है, तो लिंक आपको ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो निहाला उस फैशन है मेरी आईडी, वहां भी फॉलो कर लेना, और मुझे थ्रेड्स पे भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ओके गाइज, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी अपना वेट, की अभी मेरा वेट कितना चल रहा है। डेली आपको रेगुलर व्लॉग्स दिखेंगे मेरे वेट के ऊपर ही, तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो वेट वेट करती रहती है, तो भाई आपको मतलब जब मैं दिखाऊंगी ना तो मैं ये बोलूंगी कुछ दिन तो सबर करना पड़ेगा, लेकिन जब वेट कम दिखना शुरू हो जाएगा ना तो वो चीज अलग ही लेवल की खुशी होगी। और पता है, और ना एक चीज की और शर्म रहेगी कि आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो वेट भी कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी गंदा नहीं खाना है, तो हाँ इस चीज का ध्यान रहेगा। और कभी कुछ खाया भी तो ऑफकोर्स आप सबके साथ शेयर करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको अपने वेट लूज में खरीदनी पड़ेगी अगर आप मेरे साथ जर्नी कर रहे हो। तो मेरी जर्नी मैं मैक्स 1 मंथ तक करने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है, ग्रीन टी का डब्बा मंगा के रख लो। भाई आके कितनी गंदी लग रही है, ग्रीन टी का एक डब्बा मंगा के रख लो, क्योंकि ग्रीन टी बहुत जरूरी है आपके वेट लूज में। सुबह उठ के, या तो चलो कुछ लोग नहीं भी खरीद पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नींबू शहद का पानी ले लेना, गरम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेना, उसमें आधा नींबू निचोड़ के, आधा चम्मच शहद निचोड़ के वो भी लेना सुबह, एम्प्टी स्टमक, ठीक है, खाली पेट आपको लेना है। तो और जितनी बार भी हो सके, अगर आप नींबू शहद का, तो यार गर्म भी कर जाएगा, गर्मी पड़ रही है, नींबू वाला ही ले लेना, ठीक है, शहद वाला जो है वो सुबह के टाइम लेना, अदरवाइज नींबू ले लेना विदाउट। और एक चीज और, सारा दिन पानी बहुत ज्यादा पीना है, मैक्सिमम 4 लीटर तो आपको लेके चलना है, कि 1 लीटर की बोतल बना लो कि भाई आज तो ये खत्म करके ही रहना है। डेली का रूटीन बना लो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। और खाना अगर आप ये मान लो 2 रोटी खाते हो ना, तो इसको स्किप करके 1 रोटी खाओ। देखो अगर आप लेट उठते हो, जैसे मेरा लेट थोड़ा हो जाता है उठने का टाइम, तो मैं करीबन 11:30 ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ये चीज आपको करनी, ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद ना आप हैवी सा फील करोगे, हैवी इन द सेंस कि वो आपका सारा डे चलेगा। फिर आप शाम के टाइम अपने स्नैक्स में आपने सैलेड ले ली, जो मर्जी आपको लेना हो, हेल्दी फूड लेना है बेसिकली। रात में अपना 1 रोटी खा ली, दाल के साथ खा ली, या कुछ भी आपको सैंडविच बनाना है, मैं रेसिपीज अगर मैं बनाती रहूंगी तो मैं वो भी शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी पूरी। आई एम नॉट मतलब ऐसा नहीं कह रही कि भाई प्रॉमिस ही कर रही हूँ, ठीक है भाई। चलो अब मैं सीधा आपको वेट दिखाऊंगी, देन उसके बाद जिम में मिलते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो पता नहीं क्या दिक्कत आ गई उसमें, तो हाँ अभी आते आते बारिश हो गई। और आज से हमारा फिटनेस कोच है मिस्टर नितिन, तो मेरे हस्बैंड जी ही मुझे बताएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो बेसिकली इसने मुझे बताया है कि जब मिक्स हम करेंगे एक्सरसाइज, राइट, तो सारे बॉडी पार्ट की मिक्स एक्सरसाइज करेंगे और साथ में कार्डियो करेंगे। ओके, कार्डियो का ये मेरे से ना स्टार्टिंग में बहुत लंबी नहीं होती, मतलब कई लोगों को देखा है, जैसे सारा अली खान की वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे कई बार देखे, वो भाई 2-2 घंटे तक कार्डियो कर लेती है। मेरे को प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी नहीं है ना अभी लाइफ में, और फैट भी रीजन है, एक्टिविटी नहीं है। अगर आप फैटी हो ना, इंक्रीज करती रही हो जाएगी, तो आपको पड़े रहने का मन करेगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा कि बस यार चिल मारते रहो, लेटे रहो, ये सब। तो हाँ हमें वो चीज खत्म करनी है, तो बस हम पहुंचने वाले हैं अपने जिम। और पता नहीं हमारी ना आज मशीन में वेट वाली में क्या दिक्कत आ रही है, उसमें वेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा था बाद में, कभी वो 55 दिखा रहा था तो कभी 56 दिखा रहा था, तो हाँ ये दिक्कत हुई है। बस अभी हम जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, अगर वहां मशीन हुई तो मैं वहां भी चेक करूंगी। और आज बेसिकली हम सारे बॉडी पार्ट्स की मिक्स एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर आपने जो जिम ज्वाइन नहीं कर रखा ना, तो कुछ एप्स की मैं एक वीडियो बना दूंगी, कुछ मतलब मैं और नितिन दोनों ही इससे हेल्प ले लूंगी मैं। तो अब पहले मैं शादी से पहले भी तो यूज करती थी यार, जब मैंने जिम थोड़ी ना ज्वाइन कर रखा था, वर्कआउट वाली, हाँ हाँ वही तो मैं वही चीज तो कह रही हूँ, तो लोगों को आइडियाज देने के लिए सही है, क्योंकि कई कोरोना टाइम में तो वही यूज हुआ, राइट। मैंने अपने शादी से पहले ना भाई वो भर भर के वो वाली यूज करी, यहाँ के आग लग गई थी क्या, ऐसे हो रहा है। तो मैंने शादी से पहले ना वही इस टाइप की एप्स यूज करी थी, जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज के साथ आप पार्क भी जोड़ लो तो और बहुत सही है, क्योंकि जहाँ मैं ट्रेडमिल करूंगी वहां आप अपना पार्क में दौड़ के आ जाना, तो बराबर हो जाएगा। ओके चलो अब सीधे जिम में जाके मिलते हैं। गाइस आई एम डन, भाई मैं तो ज्यादा नहीं हो रही, सांस फूल के फर्स्ट टाइम में इतना ही नफ है।
एक्सरसाइज मेरी बहुत ही अच्छे से मतलब डन हो गई है, थक बहुत ज्यादा गई हूँ। और अभी नितिन ने मेरे लिए बना दिया है प्रोटीन शेक, तो या आई एम एंजॉयिंग माय प्रोटीन शेक, इसके बाद बात लूंगी। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं इसके बाद खाने वाली हूँ, लास्ट का अपना बता दूँ, दिन में जितना खराब हुआ उतना हुआ। अभी प्रोटीन ले रही हूँ, देन इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ एग्स की भुज्जी, वाइट एग्स की, ओके, और जस्ट वही खाऊंगी। तो ये मेरा डिनर हो जाएगा, 8 बज चुके हैं, थोड़ा सा आज लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, देर आई दुरुस्त आई, आज से मेरा रूटीन शुरू हो गया है। तो यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग, रियली होप करती हूँ आपने काफ़ी इन्जॉय किया हो। और हाँ, मैं एक वीडियो जैसे कि आपको बताती थी लेके आऊँगी, आप अगर घर में वर्कआउट करना चाहते हैं होम वर्कआउट, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी सी एक ऐप बताऊँगी जिसके थ्रू आप यू नो घर पे ही वर्कआउट कर सकते हो, सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। रियली होप करती हूँ आपको मेरा डे 1 बहुत अच्छा लगा होगा, तो डे 2 के लिए इंतजार करिएगा, और मुझे भी बहुत